थर्ड पार्ट तीन में हिमालय की बेटियां। अब आपको मालूम होगा बेटियां मतलब क्या होता है, लड़की डॉटर है ना। तो यहाँ पर हिमालय, हिमालय कौन है, हिमालय पर्वत का नाम जो बर्फ की ठंडी ठंडी बर्फ जो होती है उससे पूरा ढका हुआ रहता है। हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर का निवास स्थान है और वहां से अनेक प्रकार की नदियां निकलती है। तो हिमालय की बेटियां मतलब जो पर्वत है हिमालय, उनसे जो उस पर्वत से जो पानी निकलता है, जो पानी की धाराएं निकलती है, उन धाराओं को हम नदी कहते हैं। और वो नदियां कहाँ जाकर मिलती है, समुद्र में जाकर मिलती है। तो वो जो नदियां हैं उन्हें यहाँ पर लेखक नागार्जुन ने बेटियां कहा। किसकी बेटियां कहा है, हिमालय की बेटियां कहा। तो आज हम हिमालय और उनसे जुड़ी हुई नदियों के बारे में पढ़ेंगे। उनको बेटी कहा गया है, एक पिता और एक बेटी की वो है यहाँ पर कहानी है जिसे नागार्जुन लेखक जो है उन्होंने लिखा है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी। कौन, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, किसे देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी, उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। अब आपने तीन पंक्तियां पढ़ी लेकिन अभी तक हमें पता नहीं किया कि इसके बारे में बात हो रही है, यहाँ इनके बारे में बात। ठीक है, बेटियां, बेटियां मतलब हिमालय की जो धाराएं निकल रही है, जो नदियां निकल रही है उनकी बात। ठीक है, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। लेखक जो है नागार्जुन, उन्होंने नदियों को दूर से देखा था, पहाड़ से निकलती हुई, पर्वत से निकलती हुई नदियों को हम दूर से ही देखते हैं। बड़ी गंभीर शांत अपने आप में कोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति, संभ्रांत यानी उत्तेजित भांति वे प्रतीत होती थी, उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। कि नदियों के प्रति एक व्यक्ति के मन में, लेखक के मन में श्रद्धा और आदर, जब हम कोई बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, कोई पूजनीय व्यक्ति से मिलते हैं या हमारे घर के बड़े सदस्यों से मिलते हैं, तो वो हमारे लिए कैसे होते हैं, पूजनीय होते हैं, आदर भाव उनके प्रति हमारे मन में होता है, श्रद्धा उनके प्रति हमारे मन में होती है। तो यहाँ भी लेखक ने वही कहा है कि आदर और श्रद्धा के भाव, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। कि जिस प्रकार हम अपनी मौसी, अपनी मौसी, अपनी दादी, अपनी मामी के पास बचपन में उनकी गोद में बैठकर मस्ती करा करते थे, उनकी गोद में खेला करते थे, वैसे ही यहाँ पर जो लेखक नागार्जुन है वो बता रहे हैं कि वो भी उनने डुबकियां लगाया करते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने आए। जब उन्होंने हिमालय के ऊपर चढ़कर देखा, हिमालय के कंधे में ना, हम अपने छोटे बचपन में जब अपने पापा के साथ घूमने फिरने जाते तो उनके कंधों पर बैठकर और हम इस तरीके से जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो लेखक वो बता रहे हैं कि वो हिमालय पर्वत पर चढ़कर गए। जब हिमालय पर्वत पर चढ़े तो उन्होंने उन नदियों को अलग ही रूप में देखा। मैं हैरान था कि यह धुंधली पतली गंगा, यदि यमुना, यदि शतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल गाय कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना किस प्रकार की नदियां हैं, क्या क्या नाम आए हैं नदियों के यहाँ पर। मैं हैरान था कि दुबली पतली मतलब पतली सी धारा, नदी तो बहुत बड़ी होती, विशाल होती, लेकिन जब किसी छोटी जगह से निकलना होता है तो वो एक धारा के रूप में, एक छोटी पतली धारा के रूप में निकलते। तो उन्होंने क्या कहा, दुबली पतली गंगा, यमुना, यदि सतलुज समतल मैदानों में उतरकर, जब वो पहाड़ से नीचे की ओर आती तो हमें पतली धारा के समान दिखाई देती, लेकिन वो जैसे ही समतल जगह में आती है तो धीरे धीरे क्या होने लगती है, फैलने लगती है, विशालकाय हो जाती है। विशाल कैसे हो जाती है, इनका उछलना और कूदना मतलब इसका उछलना मतलब पानी जो है, नदी जो है वो उसका बहाव कैसा होता है, बहुत तेज होता है, और तेज होने के कारण वो हमें उछल।
चमकती हुई कूदती हुई नजर आती है। चित्र में देख रहे हैं आप हिमालय पर्वत बना हुआ है। ये हिमालय पर्वत पर ये यहाँ पर नदियों दिखाई दे रही है। जो ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ये यहाँ से नदियां निकलती है। कैसी है? पतली धाराएं। पतली धाराएं जब विशाल मैदान पर आती है, मैदान पर आती है तो ये क्या हो जाती है? बड़े स्थानों पर छोटे स्थानों पर विशाल गाय बन जाती है। और फिर इनकी धाराएं चौड़ी होकर एक नदी का रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये हिमालय पर्वत है, यहाँ से अलग अलग नदियां निकल रही है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कि खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना इनकी यह भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? कि जिस तरह से नदी पहाड़ से निकलकर आगे बढ़ती है, हिमालय पर्वत से निकलकर आगे बढ़ती है, तो खिलखिलाकर हंसते जाना इनके यह भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान पर। और जैसे ही मैदान पर आती है तो मैदान पर आकर तो क्या हो जाती है? फैल जाती है, विशाल गाय हो जाती है। विशाल गाय होने के कारण जो ऊपर से गर्जना के रूप में वो आती है, मतलब जब पर्वत से नदी नीचे आती है तो उसकी आवाज जो होती है वो बहुत तेज होती है, गर्जना जिसको बोलते हैं, उसको लेखक ने क्या कहा है? हंसते खिलखिलाकर, खिलखिलाकर हंसते हुए कहा गया है। और जब वो मैदान में आती समतल हो जाती है तो एक लेवल में आ जाती है, पानी एक जैसा हो जाता है, तो फिर कहीं आवाज नहीं आती। जब हम कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर डालते हैं तो ऊपर से गिरने की आवाज आती है, जब जैसे ही वो जमीन पर आ जाता है तो उसकी आवाज क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो यहाँ पर हंसते हुए खिलखिलाना उनकी गर्जना के साथ नीचे आने को कहा है। ठीक है, कि मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी गली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाललीला देखकर। के वो लेखक क्या कह रहे हैं? उनका ऐसा कहना है कि जब वो किसी लड़की को देखते हैं या किसी मोहरे पर मंडराते हुए मोहरे को देखते हैं तो उन्हें इतना आश्चर्य नहीं होता जितना आश्चर्य वो अपनी उन बेटियों को देखकर होते हैं। जब वो पहाड़ से नीचे आती है नदियां, उन नदियों को देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। नदियों को उन्होंने यहाँ पर बेटी कहा है। कौन कौन सी बेटी है वो? गंगा, यमुना, सतलुज। ठीक है, बेटियों की बाललीला देखकर कहा ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य जिसने इन्हें पीछे कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर के अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इसकी प्यास बुझा सके? उनका कहना मतलब ये है, लेखक का यह कहना ये है कि जब इतना विशालकाय पर्वत है हिमालय पर्वत, तो उसे छोड़कर कहीं अन्य हुआ क्यों जा रही? क्योंकि वो तो इनके पिता है, और एक पिता को छोड़कर बेटी कहाँ जा रही है? तो वो यहाँ बता रहे हैं कि आखिर इनका हृदय अतृप्त है तो ये कहाँ जा रही है? वो ऐसी कौन सी प्यास है जिसको यह इनकी प्यास, वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा देगा? वो तो खुद ही एक नदी है, पर उन्होंने यहाँ बेटी कहा है तो बेटी के लिए उन्होंने कहा है कि कौन ऐसा कौन सा पानी होगा जो इनकी प्यास मिटा देगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदर अत्यधिक काय, सरस शब्द उत्पत्त काय, ऐसा है इनका लीला निकेतन। हेत्री कहती है जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदराज के सरोजिना सफेदा के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी ही नरकट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा? बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट भवन के सिवाय उनके पास वो रखा ही क्या है? तो इस प्रकार से पिता की वेदना यहाँ पर बता रहे हैं कि जब बेटियां वहां से चलती है दूर कहीं खेलते खेलते चली जाती है तो एक बुरा पिता अपनी बेटियों के लिए किस प्रकार से अपना सिर धुनता है, मतलब कैसा विचार करता है, क्या सोचता है? और बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे कि मतलब की जो विशालकाय पहाड़ों की चोटियां हैं वो जब नदियां वहां से निकल जाती है तो वो चोटियां कैसी वीराने की तरह हो जाती है? तो आगे देखिए, सिंध और ब्रह्मपुत्र ये तो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, शताब्, झेलम, काबुल, कुंभा, कंपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने
से नाचने लगती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम है, ये नदियों के नाम है। रावी सतलुज व्यास चनाब झेलम काबुल कपिशा गंगा यमुना सरयू गंडक कोसी आदि यहाँ पर सभी नदियों के नाम आ चुके हैं। इनमें बहुत सी कुछ प्रसिद्ध नदियां हैं जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना और सरयू, ये बहुत ही प्राचीन नदियां।